भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने विपक्ष के महापुरुषों को याद किया। दीनदयाल उपाध्याय के साथ महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया तक का गुणगान किया, लेकिन इस चुनावी चाल में वो कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाने वाले जेपी का जिक्र करना भूल गए, जिसकी वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने उन्हें अपने निशाने पर लिया। सत्ता नेताओं से क्या कुछ नहीं कराती, जो नेता विपक्ष को कोसते हैं वही विपक्ष के महापुरुषों को याद कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम किसी में फर्क नहीं करते, हमारे लिए महान नेता सर्वोपरि हैं। जी हां, कांग्रेस को कोसने वाले पीएम मोदी भी अब विपक्ष के महापुरुषों को याद कर रहे हैं। भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के साथ महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया तक का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दीनदयाल उपाध्याय के साथ महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया भी मंजूर हैं। हम हमेशा महान पुरुषों को याद करते आए हैं और करते रहेंगे। वहीं उनके इस बयान को जहां विपक्ष ने चुनावी चाल करार दिया है, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये खेदजनक है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत में महापुरुषों की सूची में जयप्रकाश नारायण को शामिल नहीं किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी ऐसा दल है जो एकात्म मानववाद को लेकर चलता है। ऐसा दल दुनिया में नहीं है जो मानवता की बात करता है। मोदी ने आजादी के बाद 3 आदर्श बताए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित उपाध्याय ही आदर्श हैं, लेकिन वो जेपी को भूल गए। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 70 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने समूचे विपक्ष को एक साथ लाकर खड़ा किया था, लेकिन अब अपने भाषण से पीएम मोदी ने इन्हें ही गायब कर दिया, जिस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। वैसे पीएम मोदी का विपक्ष के नेताओं को याद करना चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अब हालात मोदी लहर जैसे नहीं रहे, इसीलिए उनका भाषण भी विपक्ष के महापुरुषों की तारीफ से लबरेज रहता है। लेकिन देखना होगा कि ये बदला अंदाज क्या उन्हें फिर जीत दिला पाता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।